हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीके रियल फैक्ट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने से पहले सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है वो है पर्पस। यदि आप भी कंप्यूटर खरीदने की सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी ज़रूरत को देखें कि किस लेवल का कार्य आप उससे करवाना चाहते हो, और फिर तय करें कि हमें किस प्रकार का कंप्यूटर लेना चाहिए। प्रायः यह देखा जाता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना जानकारी के जाकर कुछ भी परचेस कर लेते हैं, इसलिए इसका फ़ायदा कुछ दुकानदार भी अच्छे से उठा लेते हैं। हो सकता है कि वो आपको ऐसा कंप्यूटर दे दें कि जिसकी आपको ज़रूरत ही ना हो, यानी आपको छोटे मोटे काम ही करने हो, जैसे MS Word, PowerPoint, Excel या नेट सर्फिंग, ब्राउजिंग, मूवी, सॉन्ग इत्यादि। तो यदि आपको एक हैवी वर्क वाला कंप्यूटर दे भी दे तो आपका उसका 100% यूज़ कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको काम उस लेवल का करना ही नहीं है। ऐसा करके वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा करते हैं। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है, आप ये नहीं तर कह पा रहे हैं कि किस प्रकार का सिस्टम आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप अपने दोस्त वगैरह से इसकी जानकारी या उनकी मदद ले सकते हैं और इस प्रकार की गलतियों से बच सकते हैं। नहीं तो फिर बाद में तो आपको पछताना ही होगा कि काश। इसलिए आप अपना पर्पस सुनिश्चित कर लें, फिर आगे बढ़ें। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, वो है प्रोसेसर, यानी कि CPU, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रोसेसर हमारे कंप्यूटर का अभिन्न पार्ट होता है, जो कि प्रोसेसिंग करने का कार्य करता है, जैसा कि आप जानते हैं। यूँ तो मार्केट में प्रोसेसर बनाने वाली कंपनियां मेन दो ही हैं, इंटेल और AMD, और दोनों ही अपनी अपनी जगह पर बेस्ट हैं। लेकिन आप इंटेल के साथ जाएं, क्योंकि मार्केट में अभी भी इसी का दबदबा है और लोगों का विश्वास भी। अब बात करते हैं कि इंटेल को लेकर अधिकतर लोगों के दिमाग में एक मिथ सा बैठ गया है कि डुअल कोर से अच्छा कोर टू डुअल, कोर टू डुअल से अच्छा कोर i3, कोर i3 से अच्छा कोर i5, इसी प्रकार कोर i5 से अच्छा कोर i7 और कोर i7 से अच्छा जो आजकल चल रहा है कोर i9। तो लोग सिर्फ एक नंबर के कम या ज़्यादा होने भर से अच्छे और ख़राब का तुलना करते हैं, जो कि पूरी तरह से सही नहीं है। एक प्रोसेसर में ये सारी चीज़ें और खूबियाँ देखनी होती हैं, जैसे जनरेशन, कोर, थ्रेड, ट्रांजिस्टर साइज, हाइपर थ्रेडिंग, क्लॉक स्पीड, कैश मेमोरी, आर्किटेक्चर इत्यादि। इन चीज़ों को जांच करने के बाद कौन सा ज़्यादा पावरफुल है और कौन सा कम, इसका सही चुनाव आप कर सकेंगे। अब बात करें कौन सा ले, तो इसका चुनाव आपको करना है अपने काम के अनुसार कि आपको कितना और किस प्रकार का काम इस पर करना है। अगर आपको छोटा मोटा कार्य जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, नेट सर्फिंग, ब्राउजिंग, मूवी इत्यादि तक का काम है, तो आप डुअल कोर या कोर टू डुअल के साथ जा सकते हैं। लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि बजाय इनके कम से कम आपको कोर i3 ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज हमने डुअल कोर ले लिया वाला कंप्यूटर खरीद लिया और अगले साल कुछ दिन बाद हम इससे हायर वाला खरीद लेंगे। तो रोज़ रोज़ तो आपको ख़रीदने वाले नहीं है, इसलिए डुअल कोर या कोर टू डुअल के बजाय आप कोर i3 के साथ या इस i3 को ही कंसीडर करें। लेकिन आपकी ज़रूरत अधिक है तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपकी ज़रूरत को पूरी करते हैं, तो आप उसके हिसाब से चुन सकते हैं। अगली बात करें तो अगला पॉइंट है हमारा मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपके सिस्टम का एक मेन बोर्ड होता है, जो आपके सभी पार्ट्स को आपस में जोड़ता है और सभी पार्ट्स को ज़रूरत के हिसाब से चलाता है। आपके सभी कंपोनेंट्स इसके साथ अटैच रहते हैं। मदरबोर्ड वैसे तो बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं, 20 से भी ज़्यादा कंपनियां हैं, है ना, नाम भी आपने नहीं सुना होगा। लेकिन इंडिया में जो टॉप कंपनीज हैं वो है गीगाबाइट, आसुस, MSI, जिब्रॉनिक्स और इंटेल। इंटेल भी अपना खुद का मदरबोर्ड बनाता है। प्राय आपको गीगाबाइट और के मदरबोर्ड ही मार्केट में देखने को मिल जाएंगे, जो इंटेल के साथ काफ़ी कंपैटिबल है। वही AMD के साथ ज़्यादातर आसुस के मदरबोर्ड देखने को मिलेंगे। तो आपको जो चाहिए आप उसे अपने हिसाब से ले सकते हैं। वैसे भी जब आप प्रोसेसर चुनेंगे उसी के हिसाब से आपको मदरबोर्ड भी शॉपकीपर आपको दे देते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो अपने अनुसार इसका चयन कर सकते हैं, क्योंकि मदरबोर्ड भी कई वैरायटी
यानी कि साइज़ में आते हैं, जैसे ITX मिनी, ITX माइक्रो, ATX स्टैंडर्ड, ATZ एंड XL ATZ। जनरली आपको मिनी ATX ही दिया जाता है जो कि आपके कार को हैंडल करने के लिए काफ़ी होता है। इस प्रकार आप अपने काम के हिसाब से अपने लिए एक मदरबोर्ड का चुनाव कर सकते हैं। बात करें जनरेशन की, तो दोस्तों जनरेशन की बात करते हैं अगर, तो जो जनरेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, क्योंकि अगर आप बिना जनरेशन के किसी चीज़ का चुनाव करते हैं बिना जाने, तो फिर ये शायद आपके लिए काफ़ी कष्टदायी भी हो सकता है। दोस्तों प्रोसेसर और मदरबोर्ड चुनते समय आपको उसके जनरेशन का खास ध्यान रखना चाहिए। प्रायः लोग इसी तरह आकर गलती कर देते हैं और अपने लिए एक गलत सिस्टम का चुनाव कर लेते हैं। जैसा कि आपको प्रोसेसर में हमने बताया कि नंबर के घटने या बढ़ने से किसी को ज़्यादा या कम नहीं आंका जा सकता है, इसमें जनरेशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब आप एक नया कंप्यूटर बिल्ड कराने किसी शॉप पर जाएंगे तो इस बात को आपसे ज़रूर पूछेगा कि यदि आपको इसकी जानकारी, तो आप तुरंत बता देंगे। यदि आपको इसकी जानकारी नहीं है या आप बताने में असमर्थ रहे, तो हो सकता है कि दुकानदार इसका फ़ायदा आपसे उठा ले और आपको गलत चीज़ दे दे। इसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि जनरेशन होता क्या है। तो आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ जब मार्केट में आती है तो लोग उसको ख़रीदते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छी बात है, उसमें क्या फीचर्स और ऐड किया जा सकता है इत्यादि को कंपनी अपने यूजर के माध्यम से जानती है, और उसी के आधार पर कंपनियाँ अपने उस प्रोडक्ट में बदलाव करती हैं और उस कमी को दूर करती हैं, और साथ ही साथ कुछ नए फीचर्स ऐड करके फिर से नए मॉडल के रूप में के नाम पे फिर से लॉन्च करती हैं। उसी प्रकार इंटेल भी अपने प्रोसेसर में कमियों को दूर करता रहता है और हर शोध करके हर साल हर थोड़े दिनों में एक नया प्रोसेसर लॉन्च करता रहता है और उसे नया जनरेशन का नाम देता है। जैसे अभी 2019 में i9 लॉन्च किया गया था, इसके कुछ समय बाद हो सकता है कि कोर i10 भी आ जाए, तो ये सिलसिला चलता रहेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है जब भी ले उस समय के हिसाब से नवीनतम ही ले, भले ही आप कोर डुअल या डुअल कोर ही लें, क्योंकि उस नए वाले को इतना पावरफुल बनाया जाता है कि वो आपके चार पांच जनरेशन वाले पुराने i3 को नए जनरेशन का डुअल कोर बीट कर दे। बावजूद इसके यदि कोई दिक्कत है तो आप अपने से बेहतर चुन सकते हैं। बात करते हैं रैम की, तो रैम का चुनाव भी आपके द्वारा काफ़ी सावधानी के साथ चुनाव करना चाहिए, क्योंकि इसकी अनदेखी आपके सिस्टम को न केवल स्लो बना सकती है बल्कि रन कराने में भी बार बार दिक्कत पैदा कर सकती है। इसलिए आपको अपने काम के अनुसार ही रैम का सिलेक्शन करना चाहिए जो आपके काम करने के लिए पर्याप्त हो। प्रायः लोग सिस्टम तो हैवी ले लेते हैं, लेकिन रैम को लगवाते वक्त 2 GB या ज़्यादा से ज़्यादा 4 GB तक ही लगवाते हैं, जिससे वह प्रायः हैंग, स्लो जैसी परेशानियों से परेशान रहते हैं। तो इसमें भी आप अपने कार के अनुसार 4 GB यदि नॉर्मल वर्क करना है, नहीं तो कम से कम 8 GB तो लगवाना ही चाहिए। और एक बात, प्राय आजकल के मदरबोर्ड गीगावाइट की बात करूं तो एक मदरबोर्ड में 2 ही फ्रिक्वेंसी वाले रैम सपोर्ट करते हैं, तो आपके मदरबोर्ड में जो हाई वाला है उसे ही सिलेक्ट करें, क्योंकि रैम यदि थोड़े ज़्यादा भी है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन कम हो तो ज़रूर होती है। बहुत लोगों को लोग जो रैम की कमी को दूर करने के लिए इधर उधर कहीं से रैम निकाल के कंप्यूटर में लगा देते हैं, कभी कभी ये तो काम कर जाता है लेकिन हर बार नहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा करने से आपका सिस्टम पहले से अधिक स्लो हो जाता है। तो इस बात का इम्पोर्टेंट और ख़ासा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी ऐसा करने पे आपका सिस्टम पहले से अधिक स्लो हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, और कभी कभी समटाइम्स मदरबोर्ड को भी डैमेज कर देता है। तो इसलिए ये मिसमैच करने से आप हमेशा बचें। अगला जो महत्वपूर्ण बात है वो है हार्ड डिस्क ड्राइव। दोस्तों हार्ड डिस्क ड्राइव आपके कंप्यूटर की मेन स्टोरेज होती है, जहां आपके सिस्टम की विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है, और साथ ही साथ आपके सॉफ्टवेयर भी इसी जगह पे इंस्टॉल किए जाते हैं। इसमें आपका जो डेटा होता है वो परमानेंट होता है, रैम की तरह नहीं कि सिस्टम शट डाउन हुआ और सारा डेटा इरेज। इसलिए इसे सेकेंडरी स्टोरेज के नाम से भी जाना जाता है। ये तो हो गई इसकी ज़रूरत क्या होती है, अब बात करते हैं कि कितने कैपेसिटी वाली
आप इसको परचेज़ करें। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे साइज़ हार्ड डिस्क ड्राइव के आते हैं, 500 GB से लेके 10 से 12 TB तक के आते हैं। अब आपको सुनिश्चित करना है कि आपके लिए क्या सही रहेगा। हालांकि अब मार्केट में 500 GB वाले हार्ड डिस्क ड्राइव लगभग ख़त्म हो चुके हैं, शायद ही आपको ये मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम आपको 1 TB की हार्ड डिस्क ज़रूर लेनी चाहिए। या ज़रूरत आपकी ज़्यादा है तो आप खुद से चयन कर सकते हैं। हार्ड डिस्क बनाने वाली वैसे तो 2-3 मेन कंपनियां हैं, जिसमें वेस्टर्न डिजिटल, सीगेट और तोशिबा है, जिसमें आपको WD की हार्ड डिस्क आसानी से देखने को मिल जाएगी। तो आपको WD की ही 1 TB की हार्ड डिस्क के साथ जाना चाहिए। अब इसमें कई कलर भी आते हैं जिसका अलग अलग महत्व होता है, लेकिन आपको WD के ब्लू एडिशन वाले को ही सेलेक्ट करना चाहिए, जो कि एक बेहतर चॉइस होगा। हालांकि मार्केट में अब नए नए और ऑप्शंस भी आ चुके हैं, जैसे SSD, SSD इत्यादि, जो कि अभी भी काफ़ी महंगे हैं, लेकिन यदि आपकी बजट की दिक्कत ना हो तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। यदि आपका काम बहुत ज़्यादा हैवी है तो आपको हार्ड डिस्क के साथ जाना चाहिए, बाद में ज़रूरत होने के साथ आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। बात करें ग्राफिक्स कार्ड की, यदि आपका कार्य कुछ ज़्यादा ही हैवी और ग्राफिकल है तो आपको सिस्टम में एक अलग प्रकार के कंपोनेंट की आवश्यकता होती है, जिसका नाम हम ग्राफिक्स कार्ड देते हैं। ये आपके प्रोसेसर के लोड को कम करता है और सारे ग्राफिकल काम खुद ही हैंडल करता है, ताकि आपका प्रोसेसर अपना काम आसानी से स्मूथली करता रहे और आप बिना किसी रुकावट के, किसी परेशानी के, अपना काम आसानी के साथ करते रहें। यदि आपका काम बहुत हैवी है तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। कैबिनेट की बात करते हैं, कैबिनेट वो जो काला सा डब्बा होता है, अधिकतर काला रंग का ही होता है, को लोग कैबिनेट के नाम से या CPU के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ज़्यादा लोगों से आपने यही सुना होगा, जबकि CPU आपके प्रोसेसर को कहा जाता है। कैबिनेट आपके सभी कंपोनेंट को सुरक्षित करने वाला एक केस होता है, जिसमें आपके कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को असेंबल किया जाता है, ताकि आपके कंपोनेंट्स हर प्रकार से सुरक्षित रहें। अब बात करते हैं कि कैबिनेट कैसा होना चाहिए, कैसे लेना चाहिए, तो इसमें भी काफ़ी क्वालिटी आती है, ब्रांडेड से लेकर नॉन ब्रांडेड तक। बस ये ध्यान रखना है कि आपका केस थोड़ा सा मजबूत रहे, हैवी रहे, ऐसा ना रहे कि थोड़ा सा भी बल लगे और वो पिचक जाए या मुड़ जाए इत्यादि। ऐसा कुछ होने पर अंदर लगा कोई हार्डवेयर डैमेज हो सकता है, तो इस बात को ध्यान में रख के ही आप इसका चुनाव करें। बात करते हैं SMPS, जिसका पूरा नाम होता है स्विच मोड पावर सप्लाई। जनरली कैबिनेट के साथ SMPS लगा ही आता है, लेकिन आप इसे अलग अलग भी ले सकते हैं, नहीं तो जो कैबिनेट के साथ जो सेट आता है उसके साथ भी जा सकते हैं। SMPS आपके सिस्टम के पावर देने या पहुंचाने का माध्यम होता है, जिससे आपके सिस्टम का हर कंपोनेंट चलता है, इसलिए इसका चुनाव आपको ठीक से करना चाहिए। SMPS थोड़ी सी गड़बड़ी होने पर आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। मार्केट में आज सस्ते सस्ता और ब्रांडेड से ब्रांडेड SMPS अवेलेबल है। प्राय लोग सस्ता लेकर अपना काम चलाते हैं, लेकिन कभी कभी सस्ता के चक्कर में आपको काफ़ी महंगा पड़ जाएगा। अगर आपका SMPS किसी प्रकार से ख़राब या शॉर्ट हो जाए तो वो आपके किसी और कंपोनेंट को भी चला या डैमेज कर सकता है, और शायद आपको पता भी नहीं होगा कि कंपोनेंट्स यदि बर्न हो जाए तो कंपनी उसे किसी भी हाल में रिप्लेस नहीं करती। इसलिए जब भी जाएँ तो ब्रांडेड के साथ जाएँ, क्योंकि इसे आपको एक बार ही लगवाना है, तो थोड़ा महंगा है इसे, इसके लिए आप किसी और कंपोनेंट में कटौती ना करें। ज़रूरत पड़े तो ग्राफिक्स कार्ड को ना लगवाएं, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए SMPS में किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज ना करें। अब बात करें कि कितने वाट का SMPS लेना चाहिए, या हमारे लिए कौन सा सही होगा जो हमारे सिस्टम को बिना किसी इंटरप्शन के सुचारू रूप से चलाए। तो इसके लिए कम से कम 450 से 500 वाट का SMPS आपको लेना चाहिए। यदि आप इसकी जानकारी ज़्यादा चाहते हैं तो आपके द्वारा सेलेक्ट किए गए कंपोनेंट कितने वाट्स का लोड लेगा, इसे आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। बात करते हैं मॉनिटर की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक असेंबल PC के साथ। जो भी कुछ काम आपने कंप्यूटर में करते हैं तो वो आपको विजुअल मॉनिटर पर ही शो होता है, और आज मार्केट में ढेर सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मौजूदा समय में LED की बहुत डिमांड है, तो आप इसे ही लें, ज़्यादा बेहतर होगा। आप साइज़ अपने अनुसार जितनी आपको ज़रूरत है, वैसे 20, 22, 24 इंच मार्केट में ज़्यादा चलन में है, तो बजट और साइड की दिक्कत ना हो तो 22 या 24 इंच वाला ही लें, और फुल HD वाला ही लें, क्योंकि HD वाले मॉनिटर का ज़माना अब गया। अब तो 4K 8K का ज़माना चल रहा है, जो भी आपकी ज़रूरत के लिए सही हो उसे आप अपने अनुसार चुनें। बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको इसके बारे में ज़रूर पता होगा। यदि कंप्यूटर असेंबल करने
के बाद OS को इंस्टॉल ना किया जाए उस सिस्टम में, तो भले ही आपका सिस्टम कितना ही अच्छा और महंगा क्यों ना हो, बिना OS के वो सिर्फ एक डब्बा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो अब बात करते हैं कि कैसे लोग अपने सिस्टम में सही OS ना डालकर कैसे अपने सिस्टम का फुल परफॉर्मेंस नहीं ले पाते। OS इंस्टॉल करते समय इस बात का ध्यान दें कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो 32-bit या 64-bit, क्योंकि यदि आपका वर्क नॉर्मल सा है तो अपने सिस्टम में 32-bit वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके लिए 4GB रैम भी सफिशेंट है, तो आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपका वर्क हैवी है तो बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। ये भी ध्यान दें कि एक 32-bit का OS 4GB से ज़्यादा रैम यूज़ नहीं करता, भले ही अपने उसमें 8GB 16GB का रैम लगाया, लेकिन 64-bit का है तो आपको मदरबोर्ड में सपोर्टेड जितना भी रैम है उसका यूज़ होगा, इसलिए हो सके तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा 64-bit वाला ही लोड करें।